और भाई लोग कैसे हो? और तुषार भाई आप कैसे हो? क्या आप तो जल्दी फ्री हो गए, इधर जॉब लेके बैठे। तो करें भाई, हम जॉब नहीं करते, हमारा तो खुद का धंधा है। हमको छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, कितनी मगजमारी की, तब जाके मिली। आओ बैठो बैठो। और कैसा चल रहा है भाई काम? बस एकदम जोरदार चल रहा है। आपने क्या किया डेकोरेशन का? अरे एकदम जबरदस्त। क्या बात है भाई। अरे डीजे डीजे एकदम जोर में, सूरत वाले हिलने वाले भाई। और आपके प्रसाद का क्या हुआ? एक नंबर। अरे एक नंबर भाई। और लाइटिंग वाइटिंग सब हो गया? हो गया। चलो ठीक। अरे भाई मूर्ति का तो कुछ बोला है नहीं, मूर्ति का क्या हुआ? मूर्ति एकदम जबरदस्त है, अब आओ देखो। अरे जबरदस्त। अरे मैं बोलता हूँ ना, एकदम दिल से फुल पावर के साथ। यार कुछ हो तो कॉल कर देना, मैं निकलता हूँ, मेरे को काम है अभी। दास आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। बापा जय सच है, आप सच में मेरे सामने खड़े हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। बोलिए पिताश्री, हमने भोजन कर लिया है। माताश्री को कहना कि हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो हमारी फिक्र ना करें। ठीक है मैं रखता हूँ। हर हर महादेव। पापा आपके पास भी स्मार्टफोन है क्या? बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ तो क्या सिर्फ तुम लोग ही यूज कर सकते हो क्या? हम भी डिजिटल हो गए हैं, भक्तों की पुकार ऑनलाइन सुनते हैं। ओ पापा मुझे भी कभी ऑनलाइन नहीं, बस ये नहीं हो सकता। हमारे यूजर्स अलग है, एप्लीकेशंस अलग है, सर्वर भी अलग है। अच्छा पापा समझ गया, आप भी डिजिटल हो गए हो। अच्छा सुने, कल आपका आगमन हो रहा है ना, तो हमने बहुत सारी तैयारियां की है। आपकी जो मूर्ति है ना वो 20 फुट बड़ी, और आपका जो मुकुट है, आपको जो सजा, और आपके हाथ में लड्डू है, हाथ में त्रिशूल है, एक में कमल है, और एक हाथ से आप सबको आशीर्वाद दे रहे हो। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ और आपको सजाया भी बहुत अच्छे से हमने। और मेरी सवारी कहाँ है? उसके बिना तो मैं कहीं आऊंगा ही नहीं। हाँ पापा आपकी सवारी भी है, बहुत अच्छे से तैयार। अब मैं जा रहा हूँ। पापा आप क्यों जा रहे हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? पापा प्लीज प्लीज आप बताइए, प्लीज जाइए मत। वत्स तुमने जो मूर्ति बनवाने दी है बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है और सुंदर भी, लेकिन अगर तुमने वो मूर्ति पीओपी में से बनवाई होगी तो जब तुम विसर्जन के लिए जाओगे तो वो पिघलेगी नहीं, और टूटी हुई हालत में मेरी मूर्ति कहीं और पड़ी, मेरे हाथ कहीं पे होंगे, पैर कहीं पे होंगे और सिर कहीं और पड़ा होगा। क्या ऐसे ही तुम्हारी भक्ति है? कभी तुम मुझे देखने आए हो विसर्जन के बाद? नहीं ना। और ये हमारा अपमान है। आज से मैं तय करता हूँ कि जो भक्त मेरी मूर्ति मिट्टी लकड़ा कागज और कोई भी नुकसान ना करने वाली चीज़ों से बनाएगा, उसको मैं जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने दूंगा, और मेरी कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं मिट्टी की ही मूर्ति बनवाऊंगा और बाकी लोगों को संदेशा पहुंचाऊंगा कि अगर कोई पीओपी से बना रहा है तो वो ना बनवाए, और वो किसी ऐसी चीज़ से बनवाए कि जिससे नुकसान ना हो, जैसे कि मिट्टी है, कागज़ है, लकड़ा है या फिर कोई अन्य चीज़ वस्तु है। और हमें आशीर्वाद देने आइए, आपने जो कहा है वैसा ही होगा। जय श्री गणेश।